फेसबुक और व्हाट्सएप पे डीपी को तीन रंग में रंग देना ही दे सकती है। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलाम रहा हो। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज है 15 अगस्त, तो आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने अपने एक गांव के स्कूल में जा रहे हैं। वहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम है, तो हम लोग जा रहे हैं वही कार्यक्रम सेलिब्रेट करने। तो आप वीडियो में बने रहे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको लिफ्ट को। ये वो स्कूल है जहाँ कार्यक्रम होने वाला है, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और अब चलते हैं अंदर। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तेरा जलवा जलवा सब मजा आई यार, कुछ भी बोला। स्कूल के दिन याद आ वाला। अरे भैया बंदूक छुड़ा ना यार। हमको समंदर बना दिया, सम्मान दिलाया है, मुकद्दर बना दिया। पैरों की धूल मानती थी कभी सभ्यता हमें, बाबा साहब ने सबके बराबर बना दिया। मोदी एक आक्रोश का माहौल,
जम्मू कश्मीर में उन्होंने हमारे लोगों की बेचने या खोल किए हुए इस बार तो कभी भूलने वाला नहीं है। नन्हे नौनिहालों की लबोरिया चली गई।
गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कुछ पता ही चला नहीं, एक ऐसा विस्फोट हुआ कुछ पता ही चला नहीं, पूरे शरीर की छोटी छोटी गोटियां ही चली गई। लेकिन मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, ये अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, लाल मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। देश मर जाने को कहा तब देश मिट जाने को कहा, परंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में यदि कोई देश पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करता है तो वही सच्ची देशभक्ति है और वही सच्चा देश। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे डीपी को तीन रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। यदि आप कहते हैं कि साल में दो बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब घूम घूम कर तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न दीवारों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं तो कोयल के दीवारों को जानते हैं। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, नहीं चाहे तेरा ना तो नहीं चाहे निकाल, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। वही होगा चार बाई चार की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के दर्शन मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी फेंक रहे हैं। और मैं होगा कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। स्कूल कितनी याद आ गए, तो यहाँ पे कार्यक्रम ख़त्म हो गया है 15 अगस्त का, और स्कूल के दिन याद आ गए हम लोग को, तो अब यहाँ से मिठाई लेंगे और मिठाई लेके निकलेंगे घर। तो अब और एक बार फिर से आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।